Awesome, you blossomy people out there. Welcome back to my channel. My name is Narupama and I hope you all are doing great. Well, I am back again with another chatty get ready with me sort of a video. Honestly speaking, I really enjoyed मैंने इससे पहले एक वीडियो फिल्म किया था और मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो फिल्म करने में और उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आया एडिटिंग करने में इस वीडियो की. तो मैं हंसती जा रही थी, मैंने सोची थी मैं क्या बोल रही हूँ, आई वाज जस्ट लाफिंग. तो मुझे बहुत मज़ा आया एडिटिंग के दौरान भी. सो आई रियली एंजॉयड द होल प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू फिल्म अनदर वीडियो वेयर आई एम डूइंग माई मेकअप बिकॉज आई एम प्लानिंग टू फिल्म अ डांस वीडियो फॉर माई इंस्टाग्राम. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देन गो एंड फॉलो मी राइट नाउ. So I'm planning to do that. So I thought कि वैसे भी मैंने मेकअप करना ही है थोड़ा बहुत, तो क्यों ना एक स्टोरी टाइम वीडियो फिल्म की जाए while I'm doing my makeup. So yes, let's just get started because I am really excited about this. Before I do my makeup, I'm gonna make a bun because बहुत गर्मी है. एक सिंपल सा चूड़ा बना लेते हैं. Alright, so I think I'm good because I'm comfortable now. तो ये बात है मेरे flying days की. एंड हम लोग दुबई फ्लाइट कर रहे थे, ठीक है. एंड दुबई फ्लाइट जनरली बहुत ही ज़्यादा किसी को भी पसंद नहीं होती थी दुबई फ्लाइट करने का. किसी को पता चलता था कि दुबई फ्लाइट है उसका तो बेचारे का दिल वैसे ही टूट जाता था. सो या तो सेम थिंग वाज विद मी एंड विद द रेस्ट ऑफ द क्रू. तो हम लोग फ्लाइट के लिए गए, ठीक है. एंड वहाँ जो पैसेंजर्स आते हैं जो पैसेंजर प्रोफाइल आता था इस फ्लाइट पे, बहुत ही विचित्र प्रकार के प्राणी आते थे. दे यूज टू बी सो शॉर्ट टेम्पर्ड, डिमांडिंग, अनरीजनेबल, नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग. सो हाँ, ये सारी चीज़ें होती थी उनके साथ, ठीक है. ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी. कहते ना, बात का बतंगड़ कैसे बनाना है, राई का पहाड़ कैसे बनाना है, आपको इनसे सीखने की ज़रूरत होती है. वी वर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड दैट कोई भी ऐसा पैसेंजर आ सकता है जो कि बेफिजूल में ओवर रिएक्ट करे चीज़ों को लेके. सो या तो हम लोग बहुत ज़्यादा और सतर्क हो जाते थे, ठीक है, इन फ्लाइट्स में. तो नॉर्मली हमारी ज़िंदगी चल रही थी, हम अपनी सर्विसेज कर रहे थे और सर्विसेज ख़त्म हो गई थी. तो इकोनॉमी की बात है, ठीक है, सर्विसेज ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट. एंड आई वॉज ऑन द फर्स्ट कार. तो मैं वेट कर रही थी कि जो मेरे, क्योंकि कैबिन में उस टाइम पे दो और कार्ड्स थे, तो टोटल तीन कार्ड्स थे कैबिन में और मेरा सबसे आगे था. तो जब तक ये दोनों कार्ड्स अंदर गैली में नहीं जाएंगे, एंड गैली इज व्हाट द किचन ऑफ द एयरक्राफ्ट. नाउ आई वॉज लाइक अ गुड पर्सन नाइसली वेटिंग, ठीक है. मैं अपना कार्ड के साथ में खड़ी हुई थी. सो वो था क्लियरेंस कार्ड. तो हमारी मेल सर्विस हो चुकी थी, हमने क्लियरेंस भी कर दिया था. तो बस अब आई वॉज जस्ट वेटिंग की दो तीन रोज बाकी थी आगे वाले क्रू का. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग की वो अपना जब फिनिश करके एंड दे विल टेक द कार्ड इनसाइड, ठीक है. फिर देन जो मेरे आगे वाले कार्ड में जो क्रू था उसने मुझे कहा कि निरुपमा कुड यू प्लीज टेक द कार्ड बैक, थोड़ा सा पीछे ले लो. मैंने कहा फाइन. तो मैंने उसको पीछे करने की कोशिश किया, पुल करने की कोशिश किया, तो थोड़ा सा अटक रहा था. तो मैंने जब पुल किया तो एकदम से क्या हुआ कि एक जो ये पैसेंजर थी, शी वॉज सिटिंग ऑन द आई सीट. सो उसके एकदम बैक में, सीट के बैक में लगा, तो एकदम जैसे झटका सा नहीं आता वैसा हल्का सा लगा था. तो अब हल्का सा लगा था, जोर से लगा था वो तो वही जानती है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो हल्का सा लगा था. तो देन दिस पर्सन शी जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दिस, आई एम लाइक आई एम सो सॉरी एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी. तो मैंने कहा ठीक है फाइन ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ठीक है. ये पहला वाक्य ये हुआ उसके साथ. अब नाउ मैंने जो कार्ड पीछे किया था, अब वो मुझे गैली में जाने का टाइम था, सारे कार्ड अंदर जा चुके थे, तो मैं अपने कार्ड को भी ले जाने लगी अंदर. तो क्या हुआ कि बाय मिस्टेक जो उसमें ना एम्प्टी कप्स रखे हुए थे, एम्प्टी ग्लासेस जो थे, पेपर ग्लासेस, वो हमारे कार्ड के ऊपर रखे हुए थे, ठीक है. तो गलती से एक एम्प्टी ग्लास जो था जब मैं ले जा रही थी, तो गलती से पता नहीं धक्का लगा क्या हुआ कि वो जो ग्लास था इसके ट्रे टेबल पे गिर गया, इस पैसेंजर के ट्रे टेबल पे गिर गया. एंड आई वाज लाइक इमीडिएटली मैंने वो ग्लास हटाया, मैंने टिश्यू लिया एंड आई वाइप्ड हर ट्रे टेबल. आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. एंड शी वाज लाइक यू डिड इट डेलिबरेटली. आई वाज लाइक व्हाट, आई नो यू डिड इट डेलिबरेटली. मैंने कहा सॉरी, मैं क्यों करूँगी जानबूझ के कोई चीज़ भाई, जान ना पहचान, दैट टू पैसेंजर, गेस्ट तो भगवान के बराबर होता है, तो हम क्यों वही ये चीज़ करेंगे. तो शी इज लाइक नो आई नो यू डिड इट डेलिबरेटली.
मतलब शी वॉज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. शी वॉज स्ट्रगलिंग विद हर फैमिली. ओके इवन हर फादर टोल्ड हर कि यू नो गलती से हो गया, इट्स ओके, लेट इट गो. शी लाइक नो डैड यू डोंट नो शी डिड इट डिलिबरेटली. एंड आई मतलब मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करी ऑफ कोर्स, इतना एक्सप्रेशन के ओवर एक्टिंग के साथ नहीं बोला था, पर थोड़ा नमक मसाला तो लगाना बनता है. तो ऐसे उसने मुझे बोला, ठीक है, मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे बड़ा बुरा लगा. मैंने कहा यार ये तो मतलब क्या है, मतलब क्या बकवास है, क्यों बोल रहे हो ऐसा, मतलब मैंने क्या किया तुम्हारे साथ में, अननेसेसरली यू आर सेइंग दीस थिंग्स टू मी. आई एम तो लाइक अ नाइस पर्सन, आई एम सर्विंग यू फूड, यू नो आई एम मेकिंग श्योर दैट यू हैव अ कंफर्टेबल फ्लाइट, एंड यू आर सेइंग यू आर लाइक पुटिंग एलिगेशन ऑन मी, यू आर अक्यूजिंग मी फॉर समथिंग विच इज सो सिली, व्हाई वुड आई डू इट डिलिबरेटली. मेरे दिल को थोड़ा दुख हुआ, तो मैंने कहा जाओ छटो. तो मैं उसको दोबारा मैंने उसको अपोलोजाइज किया, एंड शी इज लाइक ऐसे करके फिर मैं आगे चली गई अपने कैब, वहाँ पे गैली में मैंने अपना कार्ड रखा. मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा है, मुझे मैं बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा है, पर मुझे बहुत गुस्सा है. इंसान हूँ मैं, मुझे भी बुरा लगता है, क्यों तो क्या हो गया, मतलब मुझे भी बुरा लग सकता है कि बेफिजूल में लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मुझे भी बुरा लगा. एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन चक इट यू नो, एंड आई वॉज गोइंग इन द फॉरवर्ड. ठीक है, मैं आगे जा रही थी, तो जाते हुए मैंने सोचा कि उसको एक और बार आई विल से सॉरी टू हर, आई विल अपोलोजाइज टू हर. हो सकता है शायद सही में उसे बहुत उसे लगा हो ऐसे कि मैंने जानबूझ के किया, और दो बार ऐसे हो गया कि एक बार उसको धक्का लग गया थोड़ा कार्ड से, जो कि इतना कोई जोर का धक्का नहीं था, और दूसरी बार एक एम्प्टी अनयूज ग्लास उसके ट्रे पे गिर गया. तो हो सकता है उसको लगा हो कि यू नो कि मैं उसके पीछे पड़ गई जान के, मुझे बस उससे बदला लेना है. ठीक है, उसने पिछले जन्म में मेरे साथ कुछ बहुत बुरा किया था, तो मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे हूँ. तो मेरे को हो सकता है उसे ऐसा लगा हो. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट मी गो एंड अपोलोजाइज टू हर वंस अगेन. Being a nice person that I am and being in the industry where your guest is God, so I went to her and I told her, you know, I'm really sorry, I'm really apologetic about the whole, about whatever happened, and I'm extremely sorry for that. This person, in return, what she does? Ek to ye mujhe samajh mein nahi aata. What is this? You can just say, you know, You can speak up, भगवान ने तुम्हें ये ताकत दी है, ये शक्ति दी है कि तुम अपने जबान का इस्तेमाल करो, तो ओपन योर माउथ एंड स्पीक. व्हाट इज दिस? तो आई वाज लाइक यार इट्स ओके, मतलब यार तुमने तो कोशिश की ना, तुम्हारे इंटेंशन साफ थे, तो कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होते हैं, बट अगर कोई आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, और अगर बात का बतंगड़ बनाने के लिए तैयार है, तो कोई बात नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. मैंने अपने आईएफई को बताया, मैंने बताया उनको कि मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, एंड दिस पैसेंजर इज लाइक शी हैज नथिंग एल्स टू से, बस सो माय आईएफई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. सो उसके बाद क्या हुआ, ये जो फ्लाइट होती है ना, इसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, जब तक आप पूरी सर्विसेज शुरू करते हो, खत्म करते हो, बैठ के दो चैन की सांस लेते हो, ठीक है, और ये सब जो भसड़ होती है ना, इससे जब आपको फुर्सत मिलती है, शायद आप थोड़ा खाना खा लेते हो ना, तब तक लैंडिंग हो जाती है लिटरली. ठीक है, तो बस वही लैंडिंग की तैयारी हमने करना शुरू कर दिया, सिक्योरेंस करना शुरू कर दिया. ठीक है, हम अपना नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे. फिर वहाँ पे और भी दो तीन इरिटेटिंग पैसेंजर्स थे. मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि जो ये फ्लाइट्स में ना जो ये लोग आते हैं ना, कम विद अ स्ट्रॉ, दे इंसर्ट द स्ट्रॉ इन टू आर वेन्स एंड सक द ब्लड आउट ऑफ आवर बॉडी. लिटरली मुझे ये ही नहीं आती, मतलब तुम खत्म हो भाई, तुमने ये फ्लाइट की ना, और ये बहुत लंबी फ्लाइट्स नहीं होती है, मुश्किल से इट्स लाइक यू नो जाना और आना. इट वॉज क्या मैंने आपको बताया, ये टर्न अराउंड फ्लाइट थी, ये लेओवर फ्लाइट भी नहीं थी, तो देर वॉज नो सिल्वर लाइनिंग कि हम खुश होते. तो मुश्किल से 7 घंटे का होता है आपका फ्लाइट टाइम, उसमें भी जो आपका लोग जो आपका जीना दुश्वार करते हैं ना, ओ हो मैं बता नहीं सकती, एक इतना छोटा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें मतलब बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती. ठीक है, तो हमने अपना जो रूटीन था वो फॉलो किया, अपना सिक्योरेंस किया कैबिन का, एंड हम चुपचाप से अपने जंप सीट पर बैठ गए. अब अगर आपने कभी फ्लाई किया तो आपको पता है कि कैबिन क्रू आफ्टर लैंडिंग दे हैव टू बिड फेयरवेल. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सारे पैसेंजर्स को दे थैंक एवरी पैसेंजर फॉर ट्रैवलिंग विद अस, एंड ऑफकोर्स आप हैं तभी तो हम हैं ये कह सकते हैं हम, तो इसलिए हम उनको फेयरवेल बिड करते हैं. तो वी थैंक देम, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस, थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल ऑफ दैट वी डू. सो दैट वाज आई वाज डूइंग, ठीक है, विद द अदर क्रू मेंबर्स. तो हम लोग फॉरवर्ड में थे, फॉरवर्ड डोर पे खड़े हुए थे, एंड वी वर विशिंग फेयरवेल, बिडिंग फेयरवेल टू एवरी पैसेंजर. ठीक है, व्हाइल दे वर डिप्लेनिंग. Now this family came, मतलब this person came, this girl. Again, देखो मेरा तो job है, ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो,
मैं तो उसको वो रिस्पेक्ट दूंगी बिकॉज शी इज फ्लाइंग विद अस, तो शी इज आवर गेस्ट, तो वो तो रिस्पेक्ट देना बनता ही है. सो व्हेन शी केम आई टोल्ड हिम थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट एवर हैपेंड. ओके सो आई टोल्ड हर दैट बिकॉज देखो कोई हमारा मेहमान दुखी होके जा रहा है तो भाई बोलना तो पड़ेगा, वरना वो कंप्लेन लग देंगे ना. तो मैंने उसको बोला, जेन्युइनली आई सेड सॉरी टू हर, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जेन्युइनली आई सेड सॉरी टू हर एंड इन रिटर्न जो उसने कहा आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग इट. ओके सो वन सेकेंड. या सो इन रिटर्न दिस पर्सन शी सेड दैट नो आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई सेड एंड आई वॉज लाइक आई एम लाइक दिस वॉज रियली स्वीट ऑफ हर एंड आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग. इट्स वेरी रेयर विद द पैसेंजर्स, दे थिंक कि इनको मतलब उनको भगवान ने ये वरदान दे के भेजा है या फिर ये पार दे के भेजी है कि आप जाके क्रू को कैसे भी बात कर सकते हो, कैसे भी इल ट्रीट कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, बट दिस पर्सन वॉज फर्स्ट शी ऑफकोर्स ओवर रिएक्टेड, बट लेटर ऑन शी वॉज वेन शी अपोलोजाइज टू मी आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज अमेज एंड आई वॉज हैप्पी एट द सेम टाइम. देन मुझे फिर लगा कि शायद हो सकता है कि यू नो शी वॉज ऑलरेडी शी वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग, या यू नो कुछ होगा जिसकी वजह से शी वॉज डिस्टर्ब, दैट्स वाई उसने जो अपना गुस्सा था या इस तरीके से बात मुझसे की. हो सकता है उसको कोई चीज़ बॉदर कर रही हो तो उसने कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया. ठीक है, बट ये सब चीज़ें मैंने कब समझा या कब समझने का ये या कब उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने का सोचा, जब उसने मुझे अपोलोजाइज किया. एंड दैट इज हाउ ह्यूमंस आर. इवन इफ आई एम अ क्रू I will not like it why when you talk to me in such a manner. I will feel bad. Of course, I will do my services, everything, but at the end I'm human and I feel bad and this thing will be back of my mind that why this person is talking to me or why did he or she spoke to me in this manner. But मैं कहना चाहूँगी कि you know it was really nice of her to come and apologize. ठीक है, जरूरत नहीं थी, अगर नहीं भी करती तो क्या फर्क पड़ जाता है ना. कौन सा उसको मैं वर्स्ट पैसेंजर के लिए नॉमिनेट कर देती या सॉरी बोल के कौन सा उसको बेस्ट पैसेंजर का अवार्ड मिल जाता, यू नो. बट स्टिल यू नो इट वॉज वेरी 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 नाइस ऑफ हर, स्वीट ऑफ हर एंड मैं मेरा बस दिल खुश हो गया. एंड यू नो दैट्स हाउ इट इज. एंड पता है सॉरी बोलने को भी बहुत जिगरा चाहिए एक तरीके से ना. हम ऐसी बहुत चीज़ें करते हैं और हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि यू नो हमारी गलती है, हमें ऐसे नहीं बात करना चाहिए था. बट कितनी बार ऐसा होता है कि हम जाके अपोलोजाइज करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे मैं अपने बारे में भी बात कर रही हूँ. तो जब उसने अपॉलोजाइज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. ठीक है, हर जेस्चर, ये जो जेस्चर था कि उसने आके सॉरी बोला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड मैं जो भी मेरा गुस्सा था, इरिटेशन था, वो सारा छू मंतर हो गया. यही चीज़ होता है कि यू नो नॉट नेसेसरी एवरी टाइम अ पर्सन विल रिमेंबर द बैड पार्ट. यू नो दे समटाइम्स इफ यू डू समथिंग रियली नाइस, वो लोग वो चीज़ भी याद रखते हैं. तो हाँ, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. एंड या सो आई होप, आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द लुक. इट्स अ वेरी सिंपल लुक. आई एम नॉट गोना वेयर अ बिंदी बिकॉज टू मच ऑफ बिंदी, बिंदी भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. तो आई एम नॉट गोना वेयर अ बिंदी एंड आई एम वेयरिंग दिस स्टेटमेंट नेकलेस, सिल्वर नेकलेस जो कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से चुराया था, लिली बुला संतम, थैंक यू सो मच. सो या विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टेक केयर.